पंजाब स्कूल शिक्षा बोर्ड की 10वीं परीक्षा की पंजाब में टॉप रही फिरोजपुर की नैन्सी देश सेवा का जज्बा रखती है। अपने माता पिता के साथ अमृतसर पहुंची नैन्सी ने कहा, मैं ऑफिसर बनकर पंजाब और देश की सेवा करूंगी। साधारण परिवार से संबंधित नैन्सी के पिता बढ़ई तरखान और माँ सिलाई का काम कर परिवार का पालन पोषण करती है। नैन्सी ने सरकारी स्कूल से 10वीं की पढ़ाई पूरी की। उसने 10वीं की परीक्षा में 650 में से 644 अंक हासिल कर पंजाब में उच्च स्थान हासिल किया है। इस बीच आकाश बायजूस ने नैन्सी को निःशुल्क कोचिंग देने की घोषणा की। आकाश बायजूस के ब्रांच मैनेजर भूपिंदर कुमार राणाए सीनियर असिस्टेंट प्रीतम सिंह ने कहा कि नैन्सी को बिना किसी खर्च के नॉन मेडिकल स्ट्रीम में 2 साल के कोचिंग कार्यक्रम में नामांकित कर रहे हैं। मेरा नाम प्रीतम है और मैं सीनियर असिस्टेंट डायरेक्टर हूँ आकाश बायजू में। आज का ये जो हमारा सेशन है इस पे हम पंजाब टॉपर स्टेट बोर्ड रैंक 1 10th रिजल्ट्स में मिस नैन्सी रानी जिन्होंने की 99% मार्क्स लाए हुए हैं, 644 मार्क्स इनके 650 में से आए हुए हैं। और बच्चा जैसे कि एक हम्बल बैकग्राउंड से बिलोंग करता है, इनके पेरेंट्स ने इनको 11th 12th की स्टडीज के लिए मेडिकल या इंजीनियरिंग की तैयारी के लिए जैसे सोचा, और बच्चे का ड्रीम है कि मैं IIT करूं, और इसलिए आकाश के पार्ट पे इसे 270,000 का स्कॉलरशिप दिया गया। हमारी 11th 12th की फीस 270,000 है जो कि बच्चे ने आज ही अर्न कर दी। और इसके लिए मैं बच्चे को और उनके पेरेंट्स को थैंक यू कहना चाहूँगा और कंग्रेजुलेट कहना चाहूँगा। थैंक यू इसलिए क्योंकि इन्होंने आकाश की इस अपॉर्चुनिटी को चुना, और कंग्रेजुलेट इसलिए क्योंकि इन्होंने बच्चे के स्टार्टिंग से ही इतना मोटिवेट किया, बच्चे ने इतना हार्डवर्क किया कि आज इन्होंने पंजाब में स्टेट रैंक 1 लाया है 10th बोर्ड का। अच्छा, अब इनको टॉपर आगे की पढ़ाई के लिए कुछ स्कॉलरशिप वगैरह मिल रही है? सर, मैंने कहा कि 270,000 जो 11th 12th की हम फीस चार्ज करते हैं, अब ये बच्चा 270 की जगह 0 रुपीज यानी नॉट इवन अ सिंगल रुपीज शी विल पे फॉर 11th 12th कोर्स एंड शी विल स्टडी फ्रॉम फिरोजपुर ब्रांच ऑफ द पंजाब आकाश बायजूस। और इसमें हम इनकी बुक्स, इनके जो बाकी जो भी आकाश के पार्ट पे है, मतलब जो भी है, जो भी सर्विसेज हैं, टेस्ट है, डिस्कशन है, डाउट्स है, एवरीथिंग इज फ्री ऑफ कॉस्ट फॉर फाइनेंशियल। यस। ਕਿੱਥੋਂ ਦੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ? ਤੇ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ? ਟੌਪ ਕੀਤਾ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਸਟੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ, ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ? ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਵੀ ਜੀ ਮੇਰੀ 10 ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਮਿਹਨਤ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਇੰਨਾ ਵਧੀਆ ਫਲ ਮਿਲਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਹੀ ਸਟੱਡੀ ਬਹੁਤ ਪਸੰਦ ਸੀ ਤੇ ਅੱਗੇ ਵੀ ਮੈਂ ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਮਿਹਨਤ ਕਰਨੀ। ਕੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਅੱਗੇ ਬਣਨਾ ਕੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ? ਮੈਂ ਹੁਣ ਨੌਨ ਮੈਡੀਕਲ ਸਟ੍ਰੀਮ ਲੈ ਰਹੀ ਹਾਂ ਤੇ ਅੱਗੇ ਮੈਂ ਕਿੰਨੇ ਅੰਕ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੇ ਨੇ, ਕਿੰਨਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿੰਨੇ ਨੰਬਰ ਆਏ ਨੇ? 650 ਚੋਂ 644। ਪੇਰੈਂਟਸ ਕੀ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਸਪੋਰਟ ਰਹੀ ਪੇਰੈਂਟਸ ਦੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ? ਮੇਰੇ ਮੰਮਾ ਘਰੇ ਸਟਿਚਿੰਗ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਮੇਰੇ ਪਾਪਾ ਨੇ ਕਾਰਪੈਂਟਰ ਨੇ, ਮੇਰੇ ਪੇਰੈਂਟਸ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸਪੋਰਟ ਕੀਤਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਇਹੀ ਕਿਹਾ ਵੀ ਸਟੱਡੀ ਕਰੋ, ਸਿਰਫ ਸਟੱਡੀ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੰਮ ਆਉਣੀ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਸਟਰਗਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਾ ਕਰਨਾ ਪਵੇ, ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣੇ ਸਟੱਡੀ ਕਰੋ, ਅੱਗੇ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਮਾਣ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋਵੇ।